डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक। दोस्तों कैसे हो आप लोग? दोस्तों एक बार फिर मैं डीडीए की जो अपडेट है आज की, वो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। पिछली बार देखिए, जो मैंने डीडीए की अपडेट में बताया था कि 1354 फ्लैट के लिए 2900 लोगों ने फीस पे कर चुके हैं। हालांकि जो रजिस्ट्रेशन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और डीडीए को यकीन नहीं था कि इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिल पाएगा। उसके कुछ कारण हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। और एक मेन चीज़ जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, वो है इसके ड्रॉ की डेट। जी हाँ, उसकी जो है पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं डीडीए के द्वारा। तो पहले मैं आपको स्टेटस बता देता हूँ अभी तक का क्या है। तो देखिए, पिछली बार जहाँ 2900 लोगों ने इसके जो है फीस पे की थी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो वो आज बढ़कर के 6151 हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 1354 फ्लैट के लिए 6151 लोग जो हैं एप्लीकेबल हो चुके हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने अभी तक खाली मतलब रजिस्ट्रेशन किया या फॉर्म भरा है, जिन्होंने फीस पे कर दी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगा। तो देखिए, जो टोटल 1009 जो फ्लैट हैं HIG और MIG को लेकर के, अगर मैं उनके जो फीस पे कर चुके हैं लोग उनकी बात करूँ, तो वो है 3913 एप्लीकेंट। जी हाँ, 3913 एप्लीकेंट ने HIG और MIG के लिए अपना जो है रजिस्ट्रेशन और फीस पे कर चुके हैं। अगर मैं LIG की बात करूँ, LIG के 54 फ्लैट जहां पर दिल्ली के अंदर में हैं, उसमें 839 लोगों ने अभी तक फीस पे कर दी है। तो देखिए कितनी बड़ी तादाद है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है, जो कि देखिए मोदी जी का एक जो विजन जो चल रहा है कि 2022 तक सबको घर मिल जाए अपना, तो देखिए EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो कि मंगलापुरी में है, और जो इस स्कीम के अंदर सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, उसके कुछ रीजन है वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। उसमें अगर मैं बात करूं तो उसके 291 फ्लैट्स के लिए मोटा मोटी 1400 लोगों ने अप्लाई कर दिया है फीस के समय। तो देखिए कितनी बड़ी तादाद है। और जो मैं बता रहा था कि इसकी इनकी जो खासियत है इस स्कीम की, वो ये है कि इसमें जो साइज है वो बड़े दिए गए हैं नॉर्मल EWS जो फ्लैट होते हैं उनसे, और उसकी जो लोकेशन रखी गई है एक प्राइम लोकेशन रखी गई है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो लोग इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं, जो कि लोग मेरे से कमेंट में पूछ भी रहे हैं कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो देखिए अगर आप EWS के श्रेणी में आते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल कर दीजिए। मैं बिल्कुल करता इसमें, लेकिन एक्चुअली मैं EWS कैटेगरी का मैं सर्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, तो मैं इसमें नहीं कर सकता हूँ। जहाँ तक बात है MIG और HIG की, तो देखिए उसकी जो फीस है वो 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई थी। बावजूद उसके देखिए कितने सारे लोगों ने उसमें जो है रजिस्ट्रेशन किया है, और वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर ऊपर के फ्लैट हैं। कुछ उसमें कम भी हैं जो थोड़े से छोटे साइज के हैं, तो आप मेरी और वीडियो देख लीजिए, मैंने सारी वीडियो आपको बना करके दे दी हैं। कुछ लोगों का जो है आज कुछ दिक्कत हो रही है, OTP नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा मेरे एक व्यूअर हैं उन्होंने बताया है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत होगी। तो प्लीज़ आप जो है ना इसको ट्राई करते रहिए, क्योंकि अभी आपके पास आज को मिलाकर के 10 दिन बाकी हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रॉ की। तो देखिए इसका जो ड्रॉ होने वाला है वो 5 मार्च को होने वाला है, अगर सब चीज़ें सही रही तो। इलेक्ट्रॉनिक जो बाय कंप्यूटर इसका होने वाला है, 5 मार्च को इसका जो है ड्रॉ निकाला जाएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ अगली अपडेट्स के लिए, और तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद।